विद्यार्थियों, आज हम लोग जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन के सिलेबस और पाठ्यक्रम के बारे में सारी बातों को विस्तृत तरीके से जानेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि सामान्य अध्ययन जीएस जो है वो एक महासागर की तरह है, एक हिमालय पर्वतमाला है और उसमें मिलने वाले विभिन्न जो नदियां हैं, जिस प्रकार महासागर में बहुत सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं, हिमालय पर्वतमाला में अनेक चोटियां होती हैं, उसी प्रकार जीएस सामान्य अध्ययन में भी कई नदियां आकर के मिलती है, जिसको हम लोग आज बारी बारी से जानेंगे। जीएस सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस। जैसा कि आप जानते हैं, आईएएस के एग्जामिनेशन से, जो कि देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होती है प्रतियोगी विद्यार्थियों, यूपीएससी के एग्जामिनेशन से लेकर के एक सिंपल कांस्टेबल तक का आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, ग्रुप डी का, रेलवे का एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो जीएस एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जीएस के बिना आपका काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार शरीर बिना धड़कन के नहीं चल सकती, शरीर बिना आत्मा के नहीं चल सकती, उसी प्रकार जीएस भी बिना जो है कंपटीशन की प्रतियोगिता में, यदि जीएस को आप महत्व नहीं देते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है ये बाधा को पार नहीं कर पाएंगे और आप जो है रुक जाएंगे, थम जाएंगे, ठहर जाएंगे, आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। इसलिए जीएस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जीएस को यदि हम लोग हिमालय पर्वतमाला मान लें, जीएस को यदि हम लोग एक महासागर मान लें, तो उसमें मिलने वाली विभिन्न नदियां हैं प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, हिस्ट्री इतिहास जिसे आप कहते हैं, ज्योग्राफी जिसे आप भूगोल के नाम से जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस जिसे आप राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, साइंस जिसके तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस, मॉडर्न साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के नाम से आप जानते हैं, करंट अफेयर्स प्रतिदिन की दैनिक घटनाचक्र जो कि समसामयिक घटनाचक्र पर आधारित होती है, करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं, और जीके जो कि जनरल नॉलेज होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनके लेखक, साथ ही साथ विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए शहर और विभिन्न देशों के जो है मुद्राओं के नाम, विभिन्न देशों के संसद के नाम, विभिन्न देशों की गुप्तचर संस्थाओं के नाम इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बारी बारी से आएंगे कि हर एक विषय का जीएस में, जो जीएस के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उसमें हर एक विषय का क्या क्या महत्व होता है, हर विषय किस प्रकार से अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे उसको मनोरंजक बनाया जाए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें, मेहनत करके पढ़ सकें, उसको बहुत उसके अंदर में इंटरेस्ट आपको जगे और वह आपके लिए बहुत ही मनोरंजक लगे, ये आज हम लोग जानने जा रहे हैं। इसलिए आज इस विषय पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं जीएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि हिस्ट्री विषय है, इतिहास। इति जो हास दो शब्दों से बना है, यानी अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन कराए वही इतिहास है, चाहे वो घटना राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, जिस भी तरह की घटनाओं का अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं उन्हीं को हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं। इसलिए प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा कि इतिहास विषय में हम लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो विभिन्न पार्ट से पूछे जाते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल या मध्यकालीन इतिहास,
आधुनिक भारतीय इतिहास, ये तीन इतिहास के मुख्य अंग होते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। कुछ कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं को यदि आप देंगे तो वहां पर विश्व इतिहास से भी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार आपसे आप आईबी के एग्जामिनेशन दीजिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह का एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो वहां पर विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है? कई लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया तो मैं क्या करूं, नाचूं। कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर बाबर जो है वो कब्र में दफन हो गए, हम लोग पर लोड दे दिए। नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। इतिहास पढ़ने से प्रतियोगी विद्यार्थियों हमें बहुत ज्यादा फायदा है। इतिहास हमें अपने अतीत में जो हमने गलतियां की हैं उस गलती का फिर से दोहराव ना हो, वो हमें इतिहास बतलाता है। इतिहास हमें बतलाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे कार्य किए थे, हमें भी वैसे अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे समाज में, राष्ट्र में, राज्य में, जिले में हमारा नाम हो। इतिहास से हमें पता चलता है कि हमारे ऐसे राजा, ऐसे राजतंत्र जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, जन कल्याणकारी कार्य किए, वो हमें भी करने चाहिए। ये इतिहास पढ़ने से अध्ययन से हमें ज्ञात होता है। इतिहास हमें बतलाता है कि किस प्रकार से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और जितने भी हमारे महान महान क्रांतिकारी हुए, खुदीराम बोस, सब ने कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और कैसे देश के लिए अपनी शहादत दे दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने जो है एक महबूबा की भांति जो है चूम लिया था। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि वह स्वर्ग से भी बढ़कर है और देश हमारा सर्वोपरि है। यह हमें इतिहास बतलाता है किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वह अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे जिन्होंने जो है एक अस्त्र शस्त्र के बदौलत हमें आजादी दिलाने की भरसक कोशिश की, वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आती है, हमारे अंदर में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून पैदा होता है। ये हमें इतिहास पढ़ने से अध्ययन होता है। इसलिए आपसे किसी भी साक्षात्कार में पूछेगा कि आप यदि इतिहास विषय से आपने स्नातक किया हुआ है, यदि इतिहास विषय से आपने पीजी किया हुआ है, स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इतिहास पढ़ने से क्या फायदा है, बताइए इतिहास हमारे लिए क्यों लाभकारी है। तो आपके लिए इतिहास निश्चित तौर पर लाभकारी है, ये चीज को आपको जानना होगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों, इतिहास में हम लोग जिन जिन चीजों को पढ़ेंगे, हमारा प्रयास होगा कि उन सभी विषयों को बहुत ही रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और इतिहास का जो भय आपके अंदर में है कि नहीं इतिहास में बहुत सारी तिथियां हैं, बहुत सारे करेक्टर हैं, याद नहीं होता है, ये है वो है, वो सारी भ्रांतियों को हम लोग दूर करेंगे और एक ट्रिकी अंदाज में हम लोग आप लोगों को बतलाएंगे ताकि आप इस सभी चीजों को, इतिहास विषय से आपको लगाव हो जाए, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए और आपको लगे कि हाँ इससे अच्छा विषय तो कोई है ही नहीं, यह तो बहुत ही मजेदार विषय है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, इतिहास विषय को हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, इन चार भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास किसे कहा जाता है? मनुष्य के जन्म के उद्भव से लेकर के मध्यकालीन भारतीय इतिहास 712 ईस्वी सन में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण हुआ था, उसके पहले की सारी घटनाओं का अध्ययन हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रतियोगी विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? 712 ईस्वी सन में सिंध पर जैसे ही प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसी प्रकार उसी समय से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी जिसे मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहा जाता है। इसके पश्चात प्रतियोगी विद्यार्थियों जिस इतिहास का हम लोग अध्ययन करते हैं वो है आधुनिक भारतीय इतिहास। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और इससे जुड़े हुए जितने भी अध्याय हैं उन सबको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं और विश्व इतिहास में, विश्व में घटित घटनाएं, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, नाजीवाद का उदय हो हिटलर के नेतृत्व में, मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिज्मवाद का उदय हो, चीन की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व में घटे हैं उन सभी घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं और ये सब चीजें आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों प्राचीन भारतीय इतिहास पर। प्राचीन भारतीय इतिहास में यदि आप कुछ अध्यायों, जैसा कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, पर आप कमांड कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन अध्यायों को कमांड करने के बाद आप उन सारे चैप्टर्स पर भी कमांड कर सकते हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास
के कुछ अध्याय जो मैं बता रहा हूं उनको यदि आपने कमांड कर लिया तो प्राचीन भारतीय इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के लगभग 70-80% सिलेबस को आप कवर कर लोगे। साथ ही साथ उससे आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो भी इन्हीं चैप्टर्स के द्वारा ही आते हैं, इन्हीं चैप्टर्स से ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। विद्यार्थियों यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को ले लो, एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, जेटेट, सीटेट, सीडीएस, एनडीए, जेएसएससी, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही हिट चैप्टर है और इससे पके हुए आम की तरह क्वेश्चन गिरते हैं, सुपर डुपर हिट ये जो है चैप्टर की गिनती में आता है। और इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत आसानी से बहुत ही मनोरंजक अंदाज में समझेंगे ताकि आपको यह लगे कि हाँ इसको पढ़ने में बहुत मजा आया। जैसे क्वेश्चन के तौर पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ देगा कि बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा लोथल। भारत की सबसे प्राचीनतम नगरी सभ्यता कौन सी थी, तो आपको लगाना है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल का नाम प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, कंकालों का टीला, नर कंकालों का टीला या जो है पिसाचों का टीला होता है, तो आपको लगाना होगा मोहनजोदड़ो। क्या ट्रिक्स से आप जैसे जाने इसको और क्या ट्रिक्स आपको संस्थान देगी, क्या ट्रिक्स हम लोग गुरुकुल के द्वारा प्रस्तुत करेंगे ताकि यह विषय आपको काफी मनोरंजक लगे, तो उसको भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मान लीजिए हड़प्पा से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे हुई थी, तो रावी नदी के किनारे हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज जो है कहां पर की गई थी, तो ये सब चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए संस्थान द्वारा एक ट्रिक आप लोगों को बहुत शानदार दिया जाएगा और वो ट्रिक होगा हमारा वादा। हसे हप्पा मासे मॉन्टगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में है, रासे रावी नदी जो मैंने कहा अभी आपको कि रावी नदी के तट पर है, वा से बाएं तट पर है, दा से दयाराम साहनी। ये हो गया ट्रिकी अंदाज प्रतियोगी विद्यार्थियों, यानी कि आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है हमारा वादा और इसके द्वारा आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हप्पा की खोज कहां की गई, मॉन्टगोमरी जिला। किस नदी के तट पर की गई, रावी नदी के तट पर की गई। रावी नदी के किस तट पर की गई, बाएं तट पर की गई। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। तो ये इस तरीके से अंदाज पढ़ने से क्या होता है कि खेल खेल में याद तो हो ही जाता है, इतिहास उसे बहुत आसान लगने लगता है, इतिहास उसे बहुत ही मजेदार लगने लगता है। ये आपको फायदा होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसलिए आपको इस ट्रिकी अंदाज से भी ध्यान रखना होगा। इसी ट्रिक में एक और ट्रिक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता में ही, कि मान लीजिए आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो उसका भी एक ट्रिक हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को। मसल दादा मोहनजोदड़ो मसे ससे सिंधु नदी लसे लड़काना जिला दासे दाएं तट पर रासे लाखल दास बनर्जी। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण,
हमेशा से सवाल पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन हैं, तो राखलदास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर खोजा गया है, तो सिंधु नदी के तट पर खोजा गया है। मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ की गई है, तो ललकाना जिले में की गई है। मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किस तट पर की गई है, तो दाएं तट पर की गई है। तो आपको मोहनजोदड़ो से संबंधित आपने देखा कि कई सवाल अपने आप तैयार हो गए। सिर्फ एक ट्रिक को आपने याद रखा, मसल दादा, दादा सिंह का मसल आपको याद रखना है और ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा, आराम से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मसल दादा, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु नदी, ल से ललकाना जिला, दा से दाएं तट पर, रा से राखलदास बनर्जी। और इससे सवाल जितने भी पूछे जाएंगे आप आराम से हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। छतगण, सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा चार पांच अध्यायों का जो मैं नाम आपको बतलाऊंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए, जिसे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, उसमें वैदिक सभ्यता का भी बहुत बड़ा योगदान है। वैदिक सभ्यता जिसे हम लोग दो भागों में भागते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमें वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक काल के कौन कौन महत्वपूर्ण देवता हुए थे, इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता, सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, यानी कि ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो प्रजापति थे। इस तरीके से आपको जो है वैदिक सभ्यता से भी सवाल पूछे जाते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है। ये सब चीजों को आपको छात्रगण ध्यान में रखना होगा। वैदिक सभ्यता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होती है, इसलिए आपको वैदिक सभ्यता पर भी अपने कमांड्स रखने होंगे और इस पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। छात्रगण, वैदिक सभ्यता के अलावा जो हम लोग जिन चीजों पर ध्यान देंगे, जिन चीजों पर हम लोगों का मनन होगा, वो है मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास का एक और महत्वपूर्ण अध्याय, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। छठगण, जब बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, लोग कहते थे कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जांग से वैश्य का जन्म हुआ है और पैर या तलवे से शूद्र का जन्म हुआ है, इसलिए शूद्र सबसे निकृष्ट है। शूद्र को बाहर रखा जाता था गांव के बाहर, जब शूद्र घर में प्रवेश, गांव में प्रवेश करता था, तो बेचारा ढोल बजाते हुए प्रवेश करता था ताकि अन्य वर्ग के लोग किनारे हो जाएं। शूद्र के पीने की पानी की व्यवस्था अलग थी, शूद्र को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, शूद्र को वैदिक जो है हमारे ग्रंथ सुनने का अधिकार नहीं था, यदि वह सुनता था तो उसके कान में कांच चूर करके डाल दिया जाता था। तो स्थिति उस समय इतनी जबरदस्त थी कि शूद्रों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे में एक महान समाज सुधारक का उदय हुआ, प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जिनका नाम था बुद्ध और महावीर। महावीर ने कहा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, आप कर्म करिए और जन्म आपका किसी भी कुल में हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप शूद्र कुल में भी यदि जन्म लिए हैं और आपके कार्य विद्वता आपके अंदर में है, आपके अंदर सहृदयता है, आपके अंदर में भावनाएं हैं, आप एक अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, तो आप ब्राह्मण से भी बढ़ करके हैं, और आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन आप शराब पी करके चरित्रहीन बन करके रहते हैं, तो फिर आप किसी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। यह प्राचीन भारत का एक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था जो कि बहुत ही सफल रहा था, जो कि वैदिक कर्मकांड के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, समाज में शूद्रों की दयनीय स्थिति के खिलाफ चलाया गया था। छात्रगण, इस पूरे चैप्टर में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, भगवान महावीर की पूरी जीवनी पानी है, भगवान पारसनाथ की पूरी जीवनी पानी है, भगवान बुद्ध की पूरी जीवनी पानी है, और इसी से सवाल आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिस पर आपको पैनी निगाहें रखनी होगी। ये चैप्टर भी लगातार हर प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, JPSC हो, JTET हो, CTET हो, सब जगह पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इस पर भी बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, मगध साम्राज्य। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश,
कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये सब चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है। और ये सब राजवंशों से सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, जिस पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। जैसे मगध साम्राज्य में जितने भी राजवंश हुए उसका एक शानदार ट्रिक मैं आप लोगों को प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थी दे रहा हूं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा और उससे सवाल आपको बनेंगे कि किस राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया था मगध साम्राज्य में, उसको ध्यान दें। हसीन मासूक्स, प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य में इन राजवंशों से सवाल पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि हर्यक वंश के पश्चात कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के पहले कौन सा वंश आया, हर्यक वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, सुंग वंश। सुंग वंश के पहले कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। सुंग वंश के ठीक बाद कौन सा वंश आया, कर्ण वंश। कर्ण वंश के ठीक पहले कौन सा वंश आया, सुंग वंश। कर्ण वंश के बाद कौन सा वंश आया, सातवाहन वंश। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में क्रम से सजाने के लिए दे देगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में। विशेष तौर पे आप यूपीएससी का एग्जामिशन देने जाइएगा, सीटेट का एग्जामिशन देने जाइएगा, जेपीएससी का एग्जामिशन देने जाइएगा, एसएससी सीजीएल का एग्जामिशन देने जाइएगा, रेलवे का एएसएम का एग्जामिशन दीजिएगा, तो वहां पर दे देगा क्रम से सजाइए। निम्नलिखित चार राजवंशों को उनके क्रम से सजाएं, कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये ट्रिक आपको यदि याद रहेगी हसीन मासूक्स, तो आप आराम से बना सकते हैं कि ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। इस प्रकार से ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और आपको निश्चित तौर पर ये सब ट्रिक्स काफी जबरदस्त रूप से आपको जो है प्रेरित करेगी, पढ़ाई के लिए आपके अंदर में एक जुनून और जज्बा ये करेगी, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अलावा, मगध साम्राज्य के अलावा जो है गुप्त साम्राज्य, से भी बहुत ही जबरदस्त रूप से सवाल आते हैं। गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रतियोगी विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि गुप्त काल में ही एक से बढ़कर एक राजा, चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो, चाहे भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला समुद्रगुप्त हो, चाहे महान जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास जैसे महान संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो, चाहे आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हो, इन सबों का उदय गुप्त काल में हुआ था। इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी सवाल आपको निश्चित तौर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपको इस चैप्टर पर भी कमांड रखनी होगी। छतगन, अगला चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में छतगन, मैं विभिन्न अध्यायों के बारे में बात कर रहा था कि यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, गुप्त साम्राज्य, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, यदि इन सब अध्यायों पर आप यदि कमांड कर लेते हैं तो मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के 70-80% सवाल जो आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में उस पर आपके कमांड हो जाएंगे। आपको इन सब विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा और इस पर अपना कमांड करना होगा। इसके पश्चात हम लोग आएंगे मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसकी शुरुआत 712 ईस्वी सन में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ होती है। छतगन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब जो चैप्टर्स हैं ये इतने वृहद चैप्टर्स हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कि इन दो चैप्टर्स को यदि आपने कमांड कर लिया,
दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी संस्थान आपको कई प्रकार के ट्रिक्स, कई प्रकार के जबरदस्त रूप से लोचकता के साथ प्रस्तुतिकरण करेगी, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप एग्जामिनेशंस को अपने अंडर में ले सकते हैं। आप सफलता का जो है रास्ता तय कर सकते हैं। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, प्रतियोगी विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य के अतिरिक्त जो चैप्टर्स आपको काफी रोचक हैं और काफी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, उन चैप्टर्स के नाम में विशेष तौर पर विजयनगर साम्राज्य, विशेष तौर पर मराठा साम्राज्य, ये सब चैप्टर्स से भी सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत जबरदस्त रूप से पूछे जाते हैं, आपको इन पर भी कमान रखनी होगी। चोल साम्राज्य, त्रिपक्षीय संघर्ष इत्यादि से भी प्रश्न जबरदस्त रूप से पूछे जाते हैं। छतगंज, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही मध्यकाल की शुरुआत होती है। उसके बाद महमूद गजनवी, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, साथ ही साथ उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान का तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1191 में और 1192 में। ये सारे चीजों को आपको जानना होगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत से भी हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को आप उठाकर देख लीजिए तो सवाल काफी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दिल्ली सल्तनत पर भी कमांड रखना होगा। दिल्ली सल्तनत में क्या सवाल पूछे जाएंगे उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश है, उसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको हम लोग देने जा रहे हैं जो आपको बहुत जबरदस्त रूप से याद रहेगा। गुल खा तू साला। अब बोलेगा सर गुल आप क्यों खिला रहे हैं, तो याद रखिएगा चीनी से बेहतर चीज गुल होती है। गुल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और हमारे शरीर के जितने भी दूषित पदार्थ हैं वो गुल खाने से निकल जाते हैं। तो गुल खा तू साला, क्या है इस ट्रिक का यूज, क्या आपको ये काम आएगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के झंडे बुलंद करने के लिए। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों ध्यान देंगे, गुल से गुलाम वंश। खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोदी वंश। छतगण ध्यान दीजिएगा, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं उनके क्वेश्चन बैंक को आप उठा करके देखिए, आपको हमेशा से सवाल मिलेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था, आपको लगाना है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था, आपको लगाना है लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के पश्चात कौन सा राजवंश आया, आपको लगाना है खिलजी वंश। खिलजी वंश के पश्चात कौन सा वंश आया, तुगलक वंश। तुगलक वंश के ठीक पहले कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। खिलजी वंश, तुगलक वंश के पश्चात कौन सा वंश आया, सैयद वंश। सैयद वंश के पश्चात कौन सा वंश आया, लोदी वंश। लोदी वंश के ठीक पहले कौन सा वंश आया, सैयद वंश। इस तरह के सवाल आपको कमोबेश हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में मिलेंगे और यह ट्रिक आपको बहुत जबरदस्त रूप से कारगर साबित होगी। गुल खातू साला, जिसको आप एकदम मन में गांठ बांध लीजिए और इसको याद रख लीजिए, अपने मेमोरी में फेविक्विक से छात्रगण इसको चिपका लीजिए। ये आने वाले समय में आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में मील का पत्थर और संजीवनी बूटी की तरफ जो है आपके लिए कारगर साबित होगा। इसलिए यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेहद और आकर्षक है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसी से देखिए क्वेश्चंस हाई लेवल पे आप जाइएगा, सीटेट वगैरह का एग्जामिनेशन दीजिएगा, जेपीएससी दीजिएगा, रेलवे का एएसएम दीजिएगा, एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो क्वेश्चन को देखिए कैसे चेंज कर देगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझना सीखिए। क्वेश्चन वहां पर क्या चेंज कर देगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, वहां पर पूछेगा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित 5 राजवंशों को क्रम से सजाएं। ऑप्शन में देगा खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश, और आपको बोलेगा सॉल्व कीजिए इसको। नीचे ऑप्शन दे देगा 3, 2, 4, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके के ऑप्शंस दिए रहेंगे। आप जब तक नहीं जानोगे कि कौन सा राजवंश किसके बाद आया था, तब तक आपसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको उस पर कमांड रखनी होगी। कैसे ये कमांड होगा, आपको ट्रिक को याद रखना होगा। कह दे सर तो बहुत अच्छा ट्रिक दिए थे भाई, है ना, क्या ट्रिक था वो, गुल खा तू साला, गुल गुलाम वंश, खा खिलजी वंश,
तू तुगलक वंश, सा सैयद वंश, ला लोदी वंश। इस प्रकार से ये चैप्टर जो कि 5 राजवंशों तक सीमित है, सभी राजवंशों के शासकों के बारे में आपको जानना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मनोरंजक चैप्टर है। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आपको अलाउद्दीन खिलजी, जिस पर फिल्म बनी थी पद्मावत, आप लोगों ने देखी भी होगी। ये भी बहुत ही मनोरंजक कैरेक्टर है पूरे दिल्ली सल्तनत का। पागल अभागा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी मैं बहुत ही रोचकता के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा और आपको लगेगा कि वाह, इतिहास पढ़ने में तो आनंद आ गया, मजा आ गया। इसलिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही मजेदार विषय है, जहां एक से बढ़कर एक कैरेक्टर और चरित्र आपको मिलेंगे। मुबारक शाह खिलजी जैसा शासक मिलेगा जो कि महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आता था। सोचिए, एक शासक जो कि पुरुष है, वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर, कभी साड़ी पहनकर, कभी सलवार सूट पहनकर के दरबार में हाजिर हो जाता था। वह कभी कभी पागल और विक्षिप्तता उस पर ऐसी सवार होती थी, ऐसा सनकी शासक था कि दरबार में पूरा कपड़ा उतार करके नग्न अवस्था में दौड़ने लगता था। पूछता है सवाल हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ने लगता था। मुबारक शाह खिलजी था। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे शासकों से आपकी मुलाकात होगी जो कि निश्चित तौर पर आपको अंदर से पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति रोचकता तो जागृत करेंगे ही, आपको अंदर से एक विशिष्ट अनुभव होगा, एक मजा भी आएगा। दिल्ली सल्तनत अध्याय पर भी आपको कमांड रखना होगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। छतगन, इसके पश्चात हम लोग जानेंगे मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। छतगन, आप जानते हैं कि मुगल शासकों ने भारत में 1526 से यदि देखा जाए तो 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा, और उसके बाद उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह जफर के शासनकाल तक 1858 तक, जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति तक जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासनकाल इस देश में रहा था, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर द्वारा भारत में 4 युद्ध लड़े गए थे, इसको भी संस्थान एक बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको देगी, ताकि याद रखने में आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए। और वो ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। छतगन, एक बहुत ही मजेदार, आकर्षक और रोचक ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। इससे क्या होगा सत्यापित और क्या फायदा आपको होगा? बाबर ने भारत में जो 4 युद्ध लड़े, उनका क्रम आपका तैयार हो जाएगा, खेल खेल में, हंसी ठिठोली में तैयार हो जाएगा, और आप इतिहास विषय की रोचकता से भी परिचित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बेशकीमती साबित होगी। क्या है इस ट्रिक का उपयोग, आपको इसको ध्यान रखना होगा। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले अतिथि आते हैं तो उनको पानी से स्वागत किया जाता है, हम लोग पानी पी लेते हैं। उसके बाद भोजन के लिए पूछा जाता है, किसी भी पार्टी में आप जाते हैं तो आप खाना खाते हैं। जब खाना आपने खा लिया, बहुत अच्छे तरीके से तृप्त हो गए, तो उसके बाद हड़बड़ाहट होती है कि नहीं, अब कहाँ चलना चाहिए, तो चलो घर, घर की ओर चलना चाहिए। तो यही चीज है, यही ट्रिक आपके लिए काम कारगर साबित होगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, पानी पियो, बाबर ने जो भारत में पहला युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खाना खाओ, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चलो, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। घर, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इस प्रकार से हर साल एक एक युद्ध बाबर ने लड़ा है, और स्ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। सवाल पूछे जाएंगे, बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर द्वारा भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया? खानवा का युद्ध। बाबर द्वारा
खानवा का युद्ध के बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया? घाघरा का युद्ध। फिर आपसे पूछेगा, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए निम्न युद्धों को क्रम से सजाएं। ऑप्शन में देगा घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध। तो जब तक छात्रगण आप नहीं जानेंगे कि बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तब तक इस तरह के सवाल आपसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको इसको ट्रिकी अंदाज में याद रखना होगा कि अरे इसका तो बहुत शानदार ट्रिक दी है जी सर। बोला क्या ट्रिक है इसका? बोला पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। अपने दोस्तों के साथ भी इस ट्रिक को शेयर कीजिए, उनको भी ज्ञान दीजिए। विद्या जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। तो जैसे ही आप इस ट्रिक को बताएंगे तो सब आश्चर्य हो जाएगा, अरे पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर, क्या बोल रहा है जी, ये कोई पार्टी में जाना है क्या? नहीं, ये बाबा द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम आपको तैयार हो जाना है छात्रगण। पानी पियो, पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाओ, खानवा का युद्ध, चलो चंदेरी का युद्ध, घर घाघरा का युद्ध। इस तरीके से हम लोग ट्रिकी अंदाज में इतिहास को पढ़ेंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। मजा आएगा और लगेगा आपको कि हाँ आपके सामने ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं। यह रोचकता के साथ हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, सब चीजें तो मुझे क्लास में ही याद करा दी जा रही हैं, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए आपको इसी अंदाज में हम लोग कोशिश होगी कि बातों को ट्रिकी अंदाज में, एक एक चीजों को फिल्मी तरीके से, एक एक चीजों को रोचकता के साथ आपके सामने प्रस्तुतिकरण करें, ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे जीएस पढ़ने में आनंद से मैं सराबोर हो जा रहा हूं। यह हम लोगों की कोशिश होगी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, त्रिपक्षीय संघर्ष इत्यादि अध्याय पर आप कमांड कर लेते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। इसके पश्चात हम लोग आते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद जिस काल की शुरुआत होती है भारत में, अंग्रेजों का शासनकाल धीरे धीरे करके पलासी के युद्ध के पश्चात जो कि 1757 में हुआ था भारत में स्थापित होता है, और यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय इतिहास में भी हमें 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा था, कांग्रेस, बंगाल विभाजन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय और जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन सबों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, और उन सभी अध्याय काफी रोचकता से युक्त होंगे। जब आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तो जब आप भगत सिंह की कहानी पढ़ेंगे, जब आप चंद्रशेखर आजाद की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि जिन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, मैं देश के लिए अपना बलिदान दे दूंगा लेकिन मेरे को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती है, मैं आजाद रहूंगा, और उन्होंने अंतिम बची हुई गोली को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो उनका सामना हुआ अंग्रेजी सेना के साथ, लगातार उन्होंने अनेक अंग्रेज सैनिकों को गोली से जो है मार गिराया, लेकिन अंतिम बची हुई गोली को खुद कनपट्टी पे लगा करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये थी चंद्रशेखर आजाद की शहादत। तो ये सब जब कहानियों को आप सुनेंगे तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो छात्रगण काम आएगा ही, लेकिन उसके साथ आपके जीवन में देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति जुनून, देशभक्ति का जो एक सैलाब उमड़ेगा वो भी आपके लिए काफी कारगर साबित होगा, और एक चरित्र निर्माण में, एक बेहतर इंसान बनने में आपके लिए सहयोगी होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास से मैंने आप लोगों को परिचित करवाया। विश्व इतिहास के बारे में मैंने आपको बतला दिया कि किस प्रकार से विश्व इतिहास में आपको महत्वपूर्ण घटनाचक्रों पर केवल ध्यान देना है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1939 से 1945। चीन की क्रांति कब हुई? 1911। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। इस तरीके से यदि आप ऊपर ऊपर भी जानकारी रखते हैं विश्व इतिहास का, तो आपसे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, केवल महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उनकी भी जानकारी रखेंगे तो आपको विश्व इतिहास में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को भी प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा। आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जीएस के सामान्य अध्ययन के अन्य विषय जो बचे हुए हैं, चाहे वह राज्य व्यवस्था हो, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह भूगोल हो, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, चाहे वह जीके हो, चाहे वह करंट अफेयर्स हो, इन पर आप कैसे कमांड करें, इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, एसएससी के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, चाहे वह इंटर लेवल का, प्लस टू लेवल का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसका क्या लेवल होता है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं एसएससी का तो उसका क्या लेवल होता है, आप यदि रेलवे का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लेवल क्या होते हैं, रेलवे का यदि आप एएसएम का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसका लेवल एक अलग होता है, आप यदि जेपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसका लेवल अलग होता है, आप यदि यूपीएससी का दे रहे हैं तो अलग होता है, आप यदि जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके सवाल का जो प्रकृति एक अलग
होती है, लेकिन आप सीटेट की ओर चले जाते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसके सवाल की प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाती है। तो सवालों को समझना बहुत जरूरी होता है कि सर टॉपिक तो मैं समझ गया, मैंने जान लिया कि ये मुगल साम्राज्य है, मैंने जान लिया कि ये दिल्ली सल्तनत है, मैंने जान लिया कि ये महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि आखिर इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है, आखिर इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, राज व्यवस्था से प्रश्न कैसे होते हैं, अर्थव्यवस्था से प्रश्न कैसे होते हैं, विज्ञान से प्रश्न कैसे होते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न कैसे होते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की क्या क्या रणनीति होती है, किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाए ताकि जीएस पर कमांड किया जाए, जीएस को पढ़ने के लिए किन किन पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए, कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे जीएस को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों।